अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका हुसैन खान और हम आपके लिए लेकर आए हैं नेशनल प्रेजेंट द किचन स्टार सीजन 3 पावर्ड बाय द कुक बुक। ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेब बेस्ड रेडी कुकिंग शो। नेशनल की जायकेदार रेसिपीज को करो ऐड टू कार्ट। तो आइए मिलवाते हैं आज के हमारे कंटेस्टेंट से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सदम भट्ट। अच्छा सदम भट्ट, किस ग्रुप से हैं आप? शेफ महवेश अख्तर। शेफ महवेश अख्तर के ग्रुप से हैं। अच्छा ये बताइए सदम कि आपने इस शो के फॉर्मेट या शो के बारे में पहले मतलब देखा था हमारा शो? जी, ठीक है। तो आप मतलब विन कर सकती हैं, आपको लगता है ये शो विन कर सकती हैं? इंशाल्लाह। अच्छा सर, रेसिपी के बारे में बताइए, आज क्या बना रही हैं? हम ग्रेवी टिक्का बनाएंगे और इसमें ट्विस्ट होगा। ठीक है, इसमें ट्विस्ट होगा। अच्छा सदफ को और अपने व्यूवर्स को मैं बताता चलूँ पॉइंट्स के हवाले से कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको कैसे व्यूवर्स पॉइंट दे सकते हैं। तो सदफ को फेसबुक के जरिए आप एक लाइक पे एक पॉइंट, एक कॉमेंट पे दो पॉइंट और एक शेयर पे पाँच पॉइंट। सेम यूट्यूब पे भी एक लाइक पे एक पॉइंट, एक कॉमेंट पे दो पॉइंट और एक शेयर पे पाँच पॉइंट। तो सदफ इस तरह आप सोशल मीडिया से पॉइंट हासिल कर सकते हैं। ठीक है सदफ, इंग्रीडियंट्स के बारे में थोड़ा सा गाइड करें। इंग्रीडियंट्स यही है कि हमने चिकन यूज़ किया है, एक चिकन के हमने सिक्स पीसेस किए हैं। सिक्स पीसेस कर लिए। इसके साथ हम जिंजर पेस्ट यूज़ करेंगे टू टेबल स्पून। हमारे पास गार्लिक है, इसे हम फाइन चॉप कर लेंगे। ग्रीन चिलीज है, इसे भी फाइन चॉप कर लेंगे। ठीक है, फाइन चॉप कर लेंगे दोनों। ठीक है, इसके अलावा हम नेशनल का स्पाइस यूज़ करेंगे। नेशनल के स्पाइस ज़रूरी है, हर खाने में कोर इंग्रेडिएंट हमारा है नेशनल का स्पाइस। ज़्यादातर घरों में यही नेशनल मसाले नेशनल के स्पाइस यूज़ किए जाते हैं और अच्छा टेस्ट है। ठीक है, हम आप ये चॉप करेंगे जी, गार्लिक और चिली हम चॉप करेंगे। ठीक है, पहली बार देख रहा हूँ कुछ अलग तरीके से ये चॉप हो रहा है, एकदम मतलब कुछ स्क्वीज़ कर दिया है। इसके बाद हम चिली चॉप करेंगे। ठीक है, थोड़ा फाइन चॉप करके गार्लिक को भी और चिली को भी। ये तो चॉप हो चुका है, अब हम चिली चॉप। ठीक है सर, आप अपने बारे में कुछ बताएं कि कुकिंग का शौक आपको कब से पड़ा? कुकिंग का शौक बचपन से, पर ज़्यादा मुझे बेकिंग का शौक है। अच्छा, बेकिंग का शौक, क्योंकि बेकिंग जो है वो एक चैलेंज वर्क होता है। कुकिंग में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई चीज़ ख़राब होगी तो ऑल्टरनेट आप कर सकते हैं। बेकिंग में ऑल्टरनेशन नहीं होती, आपको सेम करना। अच्छा सर, वैसे एक बात है, इस बात की गारंटी है कि नेशनल मसाले से कोई सी भी रेसिपी, कोई सी भी डिश बने तो लोग तो प्लेट साफ करके उठते हैं बिल्कुल। एग्जैक्टली। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे? ये चॉप होने के बाद, इसको चॉप करने के बाद बस हम चिकन ऐड करेंगे। ठीक है, और ये मतलब ये झटपट रेसिपी, इसमें इतना टाइम नहीं लगता, जल्दी रेसिपी बन जाती है। अच्छा, ठीक है, ये हमारा चॉप हो चुका जी। ये चॉप हो गया, अब हम चिकन डालेंगे, चिकन ऐड करेंगे। ठीक है, चिकन आ गया। ऑयल इसमें कितना यूज होगा? टू टेबल स्पून यूज करेंगे। ठीक है, नेशनल की बिरयानी बनी हो तो इन्हें मनाने में लगे इस एड जितना टाइम। बस ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे, फिर हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। चिकन डाल दिया हमने, अब हम क्या करेंगे? तो चिकन को हमने बस थोड़ा सा फ्राई किया है तो इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें हमने चॉप किया था ये गार्लिक और ग्रीन चिली हमने चॉप की थी, ये हम ऐड करेंगे इसके अंदर। ऐड कर देंगे। ठीक है, पूरी डालेंगे आप? ये भी टू टेबल स्पून। टू टेबल स्पून। लाइट गोल्डन कर लेंगे, इसका कलर सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है हमें, तो लाइट गोल्डन हो गया तो हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। बाकी जो इंग्रीडियंट लाइए मतलब ये पराठे के लिए? जी पराठे। अच्छा, मतलब यहाँ पराठा भी बनने वाला है जी। ये पेस्ट डाल देंगे, गार्लिक पेस्ट डाला हमने टू टेबल स्पून, टू टेबल स्पून तकरीबन हमारा जो भी। ठीक है, ठीक है अब सर, अब क्या कर डालेंगे इसके अंदर? इसमें हम योगर्ट ऐड करेंगे। योगर्ट हमने तकरीबन एक कप यूज़ किया है। बस योगर्ट डालेंगे उसके बाद और बस नेशनल का स्पाइस ऐड करेंगे हम इसके अंदर। तो वैसे जो आपका ग्रुप है शेफ महवेश अख्तर का, तो डिफेंडिंग चैंपियन है जी।
तो आप इस बार क्या लगता है, आप लेट डाउन तो नहीं करेंगे? ट्रॉफी इस बार भी आप लोग ही लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बस ठीक है, देखते हैं, क्योंकि जो लास्ट विनर थी हमारी हिना अली शेफ महबी शक्कर की ग्रुप से, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बनाई थी और हमारे व्यूवर्स को बहुत पसंद आई थी, और उनके शेयर लाइक कॉमेंट भी बहुत ज़्यादा था। मतलब इस बार भी आप पूरी कोशिश करेंगे आप? बस मैं भी अक्सर शेफ महबी शक्कर ग्रुप एफर्ट पूरी है हमारी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह विन भी हम ही करेंगे। ठीक है, अच्छा हमने इसको मतलब इसकी जो वो है आँच बंद कर दी, फ्लेम हमने स्लो कर दी। ठीक है, और बस अब हम इसको कवर कर देंगे और फिर कवर कर देंगे पराठे की दोनों तरफ। ड्रामे की एपिसोड पे कैचअप कर लोगे, एक दूसरे पे कब करोगे? ठीक है, अच्छा हमारे जो गार्निशिंग के और मतलब हम लोग जो एंड में आप सर्व करेंगी उसके भी मतलब खासे अच्छे खासे पॉइंट उसके भी मिलते हैं जी, बिल्कुल। खाने के साथ साथ दिखनी भी अच्छी चाहिए चीज़, आई अपीलिंग होना चाहिए जो आपका प्लेट है, वो जब तक आई अपील नहीं होगा तो शाइन लगता। ठीक है, ये हमारा आप इसको कितनी देर है? बस इसको ऑलमोस्ट 5 to 7 minutes। ठीक है, अब हम ये बेल करें जी। ठीक है, ये भी कला है रोटी बेलना और पराठा या रोटी जो भी है सीधी गोल बेलना जी। लड़कियों के लिए मतलब बहुत मुश्किल टास्क ही समझ लें, आजकल नहीं बेल पाती लड़कियां गोल रोटी। हाँ, वो ज़्यादा स्क्वायर का ट्रेंड आ गया ना, वो या कोई होता नहीं नक्शा तो बना स्क्वायर बना देती जी। इसको ज़्यादा नहीं बेलना है हमने, बहुत सॉफ्ट हाथ से बेलेंगे, क्योंकि अगर हम इसे हार्डली बेल देंगे तो जो हमने इसमें बल डाले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बहुत लाइटली हम इसको बेलेंगे और ज़्यादा फ्लावर नहीं डस्ट करना है, लाइट सा फ्लावर। ठीक है, इस म्यूजिक वीडियो जैसा रोमांस रियल लाइफ में भी पॉसिबल। तो हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट हो गई है, बस रेटिंग करेंगे इसकी। कलर भी बहुत ही आला है, मतलब ये मेरे अकेले की नहीं, मेरे स्टाफ और भी लोग खा लेंगे, इतना बनाया आपने। हाँ, अच्छा हमारे पराठे भी रेडी हो चुके हैं और हमारे मलाई टिक्का जी ग्रेवी टिक्का बनाया हमने। अच्छा, ये हमारे पास जो रखी है चीज, इसका चीज हम ग्रेट करके इसमें, अच्छा अच्छा इसके ऊपर मतलब डाल देंगे। ठीक है, देख के भूख लगने लगती है मुझे। ये जो हमने स्क्रीप बनाई है, हाँ जी, इसके ऊपर डालनी है। ठीक है, अब हम इस पे चीज़ स्क्रीप करते हैं जी। हाँ, और इसका लुक भी बहुत अच्छा आ गया इसके बाद। इस साथ में ऐसा जाएगा कि 3 मिनट की वीडियो 3 सेकंड की लगे। तो हमारी जो आज की रेसिपी है सदफ ने तैयार कर ली है, सदफ बड़े जबरदस्त इसकी मतलब गार्निशिंग की है आपने। ठीक है सदफ, आप वोट अपील करिए अपने व्यूवर्स से लाइक कमेंट और शेयर के लिए। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसके लिए लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। थैंक यू। ठीक है व्यूअर्स, इसी के साथ दे मुझे इजाजत, मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में अगले कंटेस्टेंट के साथ। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। असल स्क्रिप्ट तो आज भी मेरा दिल इन्हें देख के करता।